तो गुरु के तमाम दोस्तों ने आपको सलाम किया, और आज है जुम्मा, जुम्मतुल मुबारक। और जुम्मतुल मुबारक के इस पूर्व मुसल्लत के मौके पर मैंने आपको पहले ही बताया कि नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है, पर अभी नमाज़ का टाइम हुआ नहीं है। अभी बज रहे हैं 12:30। यूजली मेरा बोरिंग सा डे होता है रोज़, पर जिस दिन मैं ब्लॉग बना रहा होता हूँ ना, वही बोरिंग सा डे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। टाइम पर आज देखते हैं आज क्या इंटरेस्टिंग बन जाता है। अभी मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, उससे पहले मुंह धोना ज़रूरी है क्योंकि इज्जत बची रहे। तो आज जुम्मा है, जो जुम्मे के शायद मौके पर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, तो अभी टाइम होने वाला है नमाज का। उससे पहले मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज आज शलवार का मैं नहीं पहनूंगा क्योंकि शलवार का मेरा संभलती ही नहीं होता है, इसलिए पेंट शर्ट पहनूँ। तो पहले चेंज करूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगा, शायद आप लोगों से मिलता वही जाऊँगा। तो नहा लिया हूँ और अभी नमाज का टाइम हो चुका है, अभी नमाज पढ़ने जानी है। और आपको एक बात बताऊँ, मैं थे कि वो एक बात बताऊँ कि मैं कैप क्यों पहनता हूँ। वैसे मैं आम दिनों में कैप पहनता नहीं, मैं कैप इस वजह से पहनता हूँ क्योंकि मैं मुझे ना हर रोज़ ना नहाना पड़ता है, क्योंकि बालों में मिट्टी चली जाती है और मुझे वो पसंद नहीं, तो दूसरा नहाना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए मैं कैप पहनता हूँ। और कोई चीज़ नहीं, अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद आके मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज़। तो नमाज वमाज पढ़ के आ गया। आज कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करने को है नहीं, पर यूजली क्या होता है कि जिस दिन मैं अपना व्लॉग बना रहा था ना, उस दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो जाता है, पर आज का पता नहीं है, ज़रूरी नहीं है, पर देख लोगे तो बेहतर होगा। तो इस चश्मे को लगाने का मकसद ये है कि आपको शो ऑफ किया जाए कि हमने रिंग लाइट ले ली। ये मेरी तीसरी या चौथी वीडियो है जिसमें मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ। और इस चश्मे को पहनने का एक और मकसद भी है, वो ये है कि मुझसे कैमरे की तरफ नहीं देखा जाता। जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, मैं यहाँ यूँ देख रहा होता हूँ, यूँ करके बात कर रहा होता हूँ, कि अब मैं यूँ यूँ करके बात कर सकता हूँ, पर आप लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए चश्मा लगाया हुआ। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये तुम कमरे में ही बैठ के ब्लॉग बना रहे होते हो, कमरे में ही रहते हो, कमरे में ही सुबह उठते हो, कमरे में ही खाते हो और कमरे में ही सो जाते हो। तो ब्लॉग का मकसद ये नहीं है कि आप बाहर जाओ, फ़ोन छिनवाओ, कैमरा छिनवाओ, थप्पड़ भी खा के आओ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखाओ, ब्लॉग का मकसद ये नहीं है। ब्लॉग का मतलब पता है क्या मतलब, तो मुझे भी नहीं पता, मैंने खुद कल रात को ही देखा था कि ब्लॉग का मतलब ये है कि हाँ, किसी भी चीज़ के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और अपना ओपिनियन देना, यानी इन शॉर्ट अपना एक्सपीरियंस देना। तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप बाहर जाओ, आप फ़ोन छिनवाओ, आप कैमरा छिनवाओ, आप थप्पड़ भी खाओ डके तो नहीं, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ इसमें। और इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है सिर्फ कमरे में ही रहो, इसमें ये है इसमें दोनों बातें ही लिखी हुई हैं, इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करने की बात होगी। तो हम एक्सपीरियंस तो आपको शेयर कर ही देते हैं, पर हम आपको थोड़ा सा बाहर भी घुमा देते हैं, हम आपको GM भी लेके जाते हैं, हम आपको पाकिस्तान कढ़ाई भी लेके जाते हैं, हम आपको KFC भी लेके जाते हैं, हम आपको चाचा जी भी लेके जाते हैं, पर हम आपको दिखाते नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी फैंसी जगह में होता हूँ तो मैं वहाँ व्लॉग नहीं करता, क्योंकि आप किसी आम जगह पे बैठे हुए हो ना, नॉर्मल लोग जज करते हैं, वो तो इंसान की फितरत है कि सब लोग जज करते हैं एक दूसरे को, तो वो तो नॉर्मल है। पर जब जो कोई अमीर लोग होते हैं वो जज भी करते हैं, और वो कुछ वो भी करते हैं कि आप ये यहाँ पे नहीं बनाए, तो इस तरह का भी कुछ सीन है। तो इस वजह से मैं कहीं ऐसी जगह पे जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जाके व्लॉग नहीं करता। तो हमारे व्लॉग की एंड हम यहाँ पे करेंगे, अभी 7:15 हो गए। और हाँ, बाय द वे, इसके अंदर कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी हमें पसंद नहीं है, हम चाय पीते, चाय वाले बॉय, हमारा ब्लड ग्रुप भी टी पॉजिटिव है, इतनी यानी चाय की वो है हमारी।